Hi and welcome back to my channel which is Recipes on Plate. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को क्लिक कीजिए. So let's start today's video. हमें चाहिए एक कटा हुआ प्याज, तीन हरी मिर्चियाँ, एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक पील आलू और एक उबला हुआ अंडा. ऑयल लेंगे हम लोग, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे. अब हम इसमें प्याज डालेंगे. इसे स्लाइस ब्राउन होने तक हम लोग पकाएंगे. अब ये लाइट ब्राउन हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली. फिर डालेंगे आलू. वन टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक बारीक कटा हुआ. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अभी जो एग्स है मैंने इसे क्या किया, थोड़े से तेल में लाल मिर्च और नमक डाल के एक दो मिनट के लिए इसे थोड़ा सा तेल में सेका है, सो दैट इसकी जो स्मेल है एग की स्मेल वो ना आए. अब हम इसमें एग्स डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे. लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे हम. अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट. अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सॉस इसे टैंगी बनाने के लिए एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है. अब हम लेंगे 1/2 कप मैदा. वन फोर्थ कप कॉर्नफ्लोर. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम लेंगे 3/4 कप वाटर. इसे एक साथ मत पुट कीजिए, ग्रेजुअली पुट कीजिए. आई एम पुटिंग सम वाटर, आई एम मिक्सिंग इट एंड देन आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर वाटर देन मिक्सिंग इट. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग. अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू टेस्ट एंड मिक्स इट वेल. सेट करेंगे हैंडल की मदद से. आप नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ कीजिए बिकॉज इसके चिपकने के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करते हो तो. अभी धीरे धीरे पक रहा है. हमें इसे टर्न करके पकाना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही साइड से पकाना है. तो जब ये नॉनस्टिक पैन से जब थोड़ा सा ऊपर ऊपर आने लगे, आप साइड के जो लेयर्स है वो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे, तो आप इसे पैन से निकाल लीजिए. अब ये कुक हो चुका है अच्छे से, तो अब इसे मैं प्लेट पे निकाल रही हूँ. अब ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसे एक साइड से ही मैंने कुक किया है. अब हमारी सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स रेडी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है उसे थोड़ा बॉटम में ऐसे स्प्रेड करेंगे और जो कॉर्नफ्लोर और मैदा था मिक्सचर मैंने साइड में निकाल के रखा था उसे पूरा स्प्रेड करेंगे हमारे शीट्स के साइड्स में. अब क्या करना है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से. ये जो साइड की जो हमारी पोर्शन है हमने इसे कर दिया है अच्छे से. अब
ये जो है नीचे का पोर्शन उसे प्रेस करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये जो है हमारा रोल रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे और ऐसे ही सारे शीट्स के हमें रोल बनाने हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हमारे रोल्स जो है हम इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। इसे लाइट ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे और फिर हम लोग इसे सर्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका है गोल्डन ब्राउन, तो इसे हम लोग अभी तेल से निकाल लेंगे। एंड इन दिस वे आवर डिश इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, serve it to your friends and family, share it with your friends and family. Thank you for watching my video. Bye bye.